आप जानते हैं कि जीमेल में यदि आपने धोखे से किसी गलत व्यक्ति को ईमेल सेंड कर दिया गया है तो उस ईमेल को हमें वापस लेने का कुछ प्रोविजन होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केके है और आप देख रहे हैं केके हिंदी गाने यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीमेल में यदि आप किसी को गलती से किसी को ईमेल सेंड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ टाइम होता है कि उस ईमेल को हम वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, उसको अनडू कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि जीमेल में मैंने लॉक कर लिया है। और जैसे कि आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, राइट, और तुरंत आपको रियलाइज होता है कि आपने ईमेल गलत लोगों के सेंड कर दिया है या फिर ईमेल में कुछ और लिखना था लेकिन आपने कुछ और लिख दिया है, तो हमारे पास कुछ टाइम होता है कि उस ईमेल को हम वापस ले सकते हैं या उसे अनडू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करें वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर में ये जो सेटिंग्स का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, गियर का आइकन। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स का मिल जाता है, इसमें इसके अंदर जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैं सेटिंग्स में चला गया। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे टैब मिलेंगे, यहाँ पर देखने वालों को बहुत सारे टैब है, तो आपको रहना है जनरल टैब में जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। तो मेक श्योर कि आप जनरल टैब में हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको अनडू का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करके अनडू करके सर्च कर सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे अनडू सेंड करके एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अनडू सेंड की ऑफ बात कर रहा हूँ, इसे जूम मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अनडू सेंड, सेंड कैंसिलेशन पीरियड यहाँ फाइव सेकेंड्स है। इसे आप बढ़ा सकते हैं जैसे 5, 10, 20 और 30। तो बेटर होता है कि इसे आप 30 सेकेंड्स कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले सेंड किए हुए ईमेल को अनडू करने का। और 30 सेकेंड्स चूज करने के बाद आपको क्या करना है, बॉटम में आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो इसे सेव कर लेना है। उसके बाद वापस आप जाएंगे किसी ईमेल को कंपोज करने, और जैसे ही आप ईमेल सेंड करेंगे तो हमारे पास 30 सेकेंड्स रहते हैं ईमेल को वापस ले लेने का। तो मैं कंपोज पर क्लिक करता हूँ और एक ईमेल सेंड करता हूँ, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं अपने दूसरे ईमेल पर एक ईमेल सेंड करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ मैं सिंपली एक मैसेज देता हूँ हेलो, और सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मैं मैसेज सेंड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनडू का हमारे पास ऑप्शन आता है, 30 सेकेंड्स के अंदर मैं इसे वापस ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने अनडू पे क्लिक किया तो मैसेज वापस आ गया, राइट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ या गलत लोगों को मैंने यहाँ 2 में डाल दिया है तो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आपने अपने मैसेज को गलत लोगों को सेंड कर दिया है या मैसेज में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो इस तरह से सेंड करने के बाद भी आप वापस ले सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन से जरूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो आपको देखने और सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।